हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड टॉपिक ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सिंपल जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसमें प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड स्ट्रेटजीज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव दैट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, ये देखा था। पॉपुलेशन की वजह से सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट होता है, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ किस तरह से हो रही है, क्या पैटर्न है उसका ग्रोथ का, ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। सो डेमोग्राफी इज़ द वन टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर द पॉपुलेशन एंड व्हाट इज़ इट, इट इज़ द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, दैट वी कॉल द डेमोग्राफी। स्टैटिस्टिकल जो स्टडी की जाती है ह्यूमन पॉपुलेशन किस तरह से इंक्रीज हो रहा है उसे कहा जाता है डेमोग्राफी। फर्स्ट स्टार्टेड ह्यूमन पॉपुलेशन को काउंट करना, ये जो है बेटा बहुत पुराना कंसेप्ट है, बहुत साल पहले से हो रहा है, बट एक्चुअली उसका जो नोटिफिकेशन, मतलब आपका पूरा डाटा नोटिफाई करना जब से स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था 1871। ये वाली एक डेट हमें याद रखनी, एक डेट हमने लास्ट वाले वीडियो में बताया था आपको 1951 एंड सेकंड इज 1871, मींस 1871 से पॉपुलेशन को काउंट करना स्टार्ट कर दिया। एंड ये कब होता है, ईच 10 ईयर्स में इन वन टाइम, हर 10 साल में एक बार पूरी जनसंख्या की जनगणना की जाती है, दैट वी कॉल द सेंसस, उस कहा जाता है सेंसस, जनगणना को हम बोलते हैं सेंसस किया जाता है। तो सबसे पहले जब जनगणना की गई थी तो आपका जो वर्ल्ड का इन 1900 में, बेटा 1900 की बात है, वहाँ पे वर्ल्ड का पॉपुलेशन था 2 बिलियन। इन 2000 वो हो गया आपका 6 बिलियन एंड इन 2001 इट इज 7 बिलियन। इतना तेज़ी से इंक्रीज हो रहा था, 1900 के आसपास वो सिर्फ 2 बिलियन था ऑल ओवर द वर्ल्ड का पॉपुलेशन, 2000 के आसपास वो आपका 6 बिलियन तक पहुंच गया, मतलब एकदम से 6 गुना ज़्यादा उसने छलांग मार लगा ली, और 2001 में वो 7 बिलियन हो गया, एक बिलियन और बढ़ गया। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में। सो व्हाट अबाउट इंडिया, क्योंकि हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडिया में पॉपुलेशन का ग्रोथ क्या था। इंडिया में हमारा जो पॉपुलेशन का ग्रोथ था बेटा, इन 1947 जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस में था, तब था 350 मिलियंस पॉपुलेशन इन इंडिया, एंड वो हुआ इन 2001 आपका 1.1 बिलियन, एंड इन 2011 इट इज़ 1.2 बिलियन। इतना ज़्यादा क्वांटिटी में, मींस वर्ल्ड पॉपुलेशन जब 6 या 7 बिलियन था उसमें से आपके 1.2 बिलियन तो सिर्फ इंडियन ही थे, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री के अंदर हमारा इंडिया आता है, और इतना तेज़ी से वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम इस पूरे डाटा को अगर कंसेप्ट में रखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में जो 10% होंगे, हर छठवां पर्सन आपका इंडियन होगा। इन होल वर्ल्ड ईच 6th person इज इंडियन। ये मेरे मन के द्वारा बताई गई चीज़ नहीं है, आपकी NCERT में है तो इम्पॉर्टेंट है, कभी पूछी जा सकती है कि पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन के अंदर इंडिया का जो क्राइटेरिया क्या है, तो इंडिया का हर छठा पर्सन जो होगा वो आपका इंडियन होगा, इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया इंडिया का है। इंडिया का जो रेट है आप इंक्रीज़ हो रहा है वो है 1.7 बिलियन, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी 1.7%, ये रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन है। 2001 के डाटा के अनुसार, 2001 में जब डाटा बना गया था, तो हर 33 ईयर्स में डबलिंग पीरियड था पॉपुलेशन का,
मीन्स ईच 33 ईयर्स में मे बी जितना पॉपुलेशन है, अगर आज का पॉपुलेशन 100 है तो 33 सालों के बाद 33 ईयर्स के बाद वो 200 हो जाएगा. 33 ईयर्स लगते थे फॉर द डबलिंग ऑफ द एनी काइंड ऑफ द पॉपुलेशन. बट 2011 का जो डाटा है बेटा, 2011 के डाटा में ये 33 ईयर घट के आपके 30 ईयर्स हो गए. मीन्स हर 30 ईयर्स में, इस ईयर सपोज 100 पीपल्स है तो 30 ईयर के बाद, 30 ईयर्स के बाद आपके 200 पीपल्स वहाँ पे जनरेट हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे. तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ इतना कम आपका इंक्रीज़ हो रहा है, सॉरी पॉपुलेशन ग्रोथ इतना तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है. और यही जो स्टडी कहलाती है, ऑल दैट स्टडी वी कॉल द डेमोग्राफी. इन सब चीज़ों का रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेशन क्या है? अगर हमें पॉपुलेशन का कंसेप्ट अच्छे से पता है कि कितना कंट्री में कितना ये है आपका, कितने नंबर ऑफ़ द पीपल है और उनका इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ द रेट क्या है, तो उसके हिसाब से हम रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती गवर्नमेंट के द्वारा, वो कितने लोग उसका फ़ायदा ले सकते हैं, एक इस्टीमेट निकाल सकते हैं, है ना. तो पॉपुलेशन एडवर्सली इफेक्ट ऑन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपकी डिक्रीज हो जाएगी, एंड अगर प्रॉपर ऑप्टिमम पॉपुलेशन है तो पर्टिकुलर आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी वहाँ पे रहेगी. क्योंकि ये रिलेशन किस तरह रहेगा बेटा, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया मतलब ह्यूमन बींग का स्ट्रगल बढ़ेगा एग्जिस्टेंस के लिए, उसका खाने पीने के लिए, फूड मटेरियल के लिए, रहने के लिए, कपड़ों के लिए, हर चीज़ के लिए स्ट्रगल बढ़ेगा. स्ट्रगल बढ़ेगा तो इमोशनल हेल्थ डाउन होगी. इमोशनल हेल्थ के साथ साथ बिहेवियरल जो हेल्थ है वो भी डाउन हो जाएगी, क्योंकि बिहेवियर चेंज हो जाएगा. ऑब्वियसली अगर आप किसी स्ट्रेस में हैं तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है. और अगर ये चीज़ें हेल्थी आप, ये हेल्थ आपकी बिगड़ गई तो उसका डायरेक्टली इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर. तो दिस इज़ अबाउट द पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी. रीज़न क्या है पॉपुलेशन इंक्रीज होने के? नाउ वी डिस्कस अबाउट द रीज़न ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस. यहाँ से क्वेश्चन में भी आ सकता है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन? फर्स्ट वन इज द बेटर हेल्थ सर्विस. क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्रीज़ बहुत आगे चली गई है तो बहुत सारे जो अनक्यूरेबल डिसीज़ थे उनके बारे में भी उसको क्यूर किया जा सक रहा है. तो इसकी वजह से क्या होगा है, मॉर्टेलिटी रेट जो है अपना, डेथ रेट जो है कम हो गया. क्योंकि नॉन क्यूरेबल जो डिसीज़ थे जिसके द्वारा बहुत सारे लोगों की जान जाने की पॉसिबिलिटीज़ थी, अपने आप वहाँ पे पॉपुलेशन कम हो जाता था. जो महामारी वाली कंडीशन आती है बेटा, अभी जस्ट हमारी जो हुई कोरोना वाली महामारी, उसमें देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई. तो पहले जब महामारी आती थी तो उसके ऊपर कोई दवाई नहीं रहती थी, कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता था कि उसको क्यूर किया जा सके. तो उस कंडीशन में पॉपुलेशन एकदम से नीचे चला जाता था. बट क्योंकि अब बेटर हेल्थ सर्विसेज आपकी अवेलेबल हो गई है तो वहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट भी आपका कम हो गया है. देन बेटर लाइफस्टाइल. गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड की गई है, लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ों के लेकर जागरूकता फैलाई गई है, जिसके वजह से उनका जो लाइफ पैटर्न है, रहने का जो व्यवस्था है या लाइफस्टाइल है उनकी, वो चेंज हो गई है. लाइफस्टाइल बेटर हो गई. लाइफस्टाइल बेटर हो गई तो हेल्दी ज़्यादा रहने लगे, और हेल्दी ज़्यादा रहने लगे तो आपके वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीजेस का ये भी एक रीज़न है. हालाँकि ये रीज़न अच्छा वाला है बट तो भी वो आपका इसे अफेक्ट करता है. लेस द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट IMR, इसके शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म हमें याद रखना है. शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म जनरली पूछे जाते हैं. फुल फॉर्म ऑफ द IMR, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट. जो नवजात बच्चे थे उनकी जो डेथ रेट थी डिसीज़ की वजह से पहले ज़्यादा थी, क्योंकि अब हमें बहुत सारा मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है जिसकी वजह से IMR आपका कैसा हो गया बेटा, घट गया है. लेस द मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट. MMR, द फुल फॉर्म ऑफ द MMR इज़ द मैटरनल मॉर्टेलिटी डेट. ये क्या होता है, पहले ज़माने में हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छे से नहीं थी, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी फीमेल्स की डेथ हो जाती थी, और यही कहलाती है मैटरनल मैटरनिटी रेट. क्योंकि आजकल
बहुत सारा साइंस के आपकी साइंस ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ली, जिसकी वजह से ये जो डेथ रेट आपका कम हो गया प्रेगनेंसी के दौरान, फीमेल्स की जो डेथ होती है वो रेट कम हो गया, तो ये भी एक पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने का एक वजह आपकी बन गई है। दीज आर सम रीजंस रिलेटेड टू पॉपुलेशन इंक्रीजेस। रीज़न हालांकि अच्छे हैं बट दे आर एडवर्सली इफेक्ट ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ द पॉपुलेशन। छोटा सा टॉपिक है पॉपुलेशन एंड डेमोक्रेसी। जनरली बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता, कभी पूछा गया तो यही वाला पार्ट पूछा जाएगा कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। बट इसके अंदर जो डेट मेंशन की गई है बेटा, और कौन से डेट में कितना नंबर ऑफ द पॉपुलेशन था, ये सभी का सभी डाटा NCERT का है। सो आप अगर नीट के एस्पिरेंट हैं तो दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये वाला सभी डाटा आपको ध्यान रखना होगा। ये डाटा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। जो नेक्स्ट वाला वीडियो है उसके अंदर हम जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।